हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8085 हमारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, और स्पेसिफाई करेंगे उसके फंक्शंस और डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लो, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस के बारे में। ठीक है, 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में पूछा गया था। अगर अब रिपीट में आया तो ये डेफिनेटली 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें फीचर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहला फीचर क्या है, ये एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। सेकेंडली, 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। 8 बिट डेटा बस और 16 बिट एड्रेस बस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 8 बिट डेटा लाइन्स और 16 बिट एड्रेस लाइन्स होती हैं। ठीक है, 64K एड्रेसिंग कैपेसिटी, यानी 64K का मतलब है 1024, 1000 मत समझना इसको। ठीक है, इतनी इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 64 × 1024 से मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आती है वो इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, कोई एक्सटर्नल बस कंट्रोलर की जरूरत नहीं होती है हमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, अब बात करें अगर पिन डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो पिन डिस्क्रिप्शन से पहले आई थिंक आपको पिन डायग्राम में दिखा दूं। पिन डायग्राम आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पिन डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। ठीक है, ये हमारा पिन डायग्राम है, कंप्लीट नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको कंप्लीट डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, और 40 पिन की आईसी होती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 40 पिन की आईसी होती है हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। हो सकता है आपने स्कूल लैब वगैरह में देखी भी हो। ठीक है, छोटी सी होती है, इतनी बड़ी आई थिंक। ठीक है, तो अभी अगर बात करें कि कौन कौन से इसमें हमारे पिन्स होते हैं, कौन सी पिन को क्या नाम दिया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि पिन डायग्राम ड्रॉ करो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, और भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं जिसके पिन डायग्राम आ सकते हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, 2 से 3 बार बना लेना डायग्राम, आपको याद हो जाएगा डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, 1-2 पे हमारा X1 X2 होते हैं, जो कि 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब है X1 हमारा 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा और X2 हमारा 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, तो टोटल ये 6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं X1 और X2। ठीक है, रीसेट आउटपुट SOD SID ये हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR ये हमारे इंटरप्ट पिन होते हैं। ठीक है, इंटरप्ट पिन होते हैं। आउटपुट पिन होता है हमारा INT A बार। कौन क्या काम करता है इसकी टेंशन ना लो, अभी जब हम लोग पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो सब बता दूंगा कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, अभी देख लो कि पिन कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं सारे पिन्स। ठीक है, सो इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद बात करें तो AD0 से लेके AD7 तक हमारे लो ऑर्डर एड्रेस या डेटा बसेस की पिन होती है। VSS हमारा ग्राउंड के लिए होता है, 20 नंबर की पिन हमारी VSS होती है। इसके बाद 21 से लेके हमारा 28 तक, A8 से A15 तक की जो हमारी पिन्स होती हैं वो हाई ऑर्डर एड्रेस या डेटा बस की तरह बिहेव करती हैं। 29 पे हमारा आता है S0 से हमारा IOM बार। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ALE के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी डिस्क्रिप्शन के टाइम। ALE जब हमारा 1 होता है तो एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगा इसका सिग्नल, और जब 0 होगा तो डेटा बस की तरह इसका सिग्नल बिहेव करेगा। ठीक है, रेडी पिन है, रीसेट इनपुट पिन है, CLK आउट है, HLDA होल्ड, HLDA और होल्ड DMA कंट्रोलर होते हैं हमारे। VCC प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली पिन डायग्राम है इसका। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिन डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। मैंने ये इसलिए आपको दिखा दिया ताकि जब मैं पिन डिस्क्रिप्शन बताऊं तो आपको ये चीज याद आए कि हाँ, इस चीज के बारे में हम लोगों ने पिन डायग्राम में देखा हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले आता है हमारा VCC, रिक्वायर सिंगल 5 वोल्ट सप्लाई। VCC 5 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज होता है। VSS ग्राउंड होता है हमारा। X1 एंड X2 यूज टू सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल क्लॉक जनरेटर। इंटरनल क्लॉक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं X1 और X2 का। फ्रीक्वेंसी इज इंटरनली डिवाइडेड बाई 2 टू ऑपरेट सिस्टम एट 3 मेगाहर्ट्ज। सिस्टम को 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था 3 मेगाहर्ट्ज इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो 3 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हमें सिस्टम को वर्क कराने के लिए हमें
पिन डायग्राम में हमने देखा कि 6 मेगाहर्ट्ज़ हम लोग सप्लाई दे 6 मेगाहर्ट्ज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वो आगे चल के दो से डिवाइड होती है, 3 मेगाहर्ट्ज़ X1 के पास और 3 मेगाहर्ट्ज़ X2 के पास, ठीक है। ये इंटरनल क्लॉक जनरेट करते हैं 3 मेगाहर्ट्ज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, बेसिकली आपको पहला पॉइंट ही याद रखना है, यूज टू सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल क्लॉक जनरेटर। इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनल क्लॉक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए। अगला CLK आउट, सिग्नल यूज्ड एज सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। CLK आउट का यूज करते हैं हम लोग अदर डिवाइसेस, जो भी सिस्टम से और सारी डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब चीजों के हमारे सिग्नल अदर डिवाइसेस के लिए CLK आउट सिग्नल को हम लोग सिस्टम क्लॉक की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद डेटा बस, डेटा बसेस क्या होती है, AD0 से AD7 हमारा डेटा बस होता है, 8 बिट डेटा बस। D0 टू D7 इज मल्टीप्लेक्स्ड विद लोअर हाफ A0 टू A7 ऑफ 16 बिट एड्रेस बस। A0 से A7 हमारा 16 बिट का एड्रेस बस होता है और AD0 से AD7 हमारा 8 बिट का डेटा बस होता है। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि D0 से D7 को हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं लोअर हाफ ऑफ A0 A7 से, ठीक है, इस वजह से ये डेटा बस की तरह बिहेव करता है। एड्रेस बस की बात करें तो A8 से A15 हमारा अपर हाफ ऑफ 16 बिट एड्रेस बस, यूज फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट एंड 16 बिट एड्रेस लाइन, ठीक है। A8 से A15 हम लोग 16 बिट एड्रेस बस की तरह यूज करते हैं, या फिर 16 बिट एड्रेस लाइन के मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल ALE यानी कि एड्रेस लैच इनेबल, पहला हमारा है ALE एड्रेस लैच इनेबल। ये क्या करता है, ये एक पॉजिटिवली गोइंग पल्स है, ठीक है, जनरेटेड एवरी टाइम व्हेन 8085 बिगिंस एन ऑपरेशन। जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तब हमारी पल्स जनरेट होगी, एक पॉजिटिव पल्स, उसी को हम ALE कहते हैं, ठीक है। ALE जब 1 होगी तो ये एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगी और ALE की वैल्यू जब 0 होगी तो ये डेटा बस की तरह बिहेव करेगा सिग्नल, ठीक है। RD बार एंड WR बार हमें पता है रीड और राइट किस लिए यूज होता है, रीड डेटा को रीड करने के लिए डेटा बस की हेल्प से, राइट यानी कि डेटा को किसी सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन में राइट करने के लिए। IOM बार, SO एंड SI, सबसे पहले IOM बार की बात करें तो ये इंडिकेट करता है मेमोरी ऑपरेशन को जब लो हो और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब हाई होता है, ठीक है। जब लो होगा, लो यानी कि जब 0 होगा तब मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जब हाई यानी कि 1 होगा तब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। SI एंड SO, ठीक है, SI SO क्या होता है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ करंट ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है हमारा रेडी, रेडी पिन यानी कि ये सिग्नल हमारा क्या इंडिकेट करेगा कि डिवाइस रेडी है डेटा को रिसीव या फिर सेंड करने के लिए। जब रेडी पिन लो होगा, ठीक है, जब रेडी सिग्नल लो होगा तब यानी कि हमें क्या माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना है और जब हाई होगा तब उसका मतलब है कि रेडी हो गया, अब आप रिसीव या फिर सेंड कर सकते हो डेटा को, ठीक है। इंटरप्ट सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल क्या करता है, इंटरप्ट जनरेट करता है, सीधी सी बात है, इंटरप्ट सिग्नल इंटरप्ट जनरेट करता है। 8085 हैज 5 हार्डवेयर इंटरप्ट, देखो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, RST 7.5, 6.5, 5.5, TRAP और INTR। INTA बार जो होता है हमारा वो भी एक तरीके से इंटरप्ट सिग्नल होता है, लेकिन ये हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेज करता है, क्या इंडिकेट दैट प्रोसेसर हैज एक्नॉलेज एन INTR इंटरप्ट, ये इंडिकेट करता है कि प्रोसेसर को एक INTR इंटरप्ट मिला है, ठीक है, INTA बार का ये काम होता है। इसके बाद सीरियल IO मतलब इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, ठीक है, सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हम लोगों ने देखा था, SID और SOD हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स होते हैं। सीरियल इनपुट डेटा हमारा SID रिप्रेजेंट करता है, एक्सेप्ट सीरियल डेटा बिट बाय बिट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस, ये जो है सीरियल डेटा को बिट बाय बिट एक्सेप्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से, ठीक है। SOD क्या होता है, सीरियल आउटपुट डेटा होता है, इनेबल्स ट्रांसमिशन ऑफ सीरियल डेटा बिट बाय बिट टू द एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि ये इनेबल करता है सीरियल डेटा का ट्रांसमिशन बिट बाय बिट एक्सटर्नल डिवाइसेस से, ठीक है। इसके बाद DMA सिग्नल की बात करेंगे, DMA कंट्रोलर सिग्नल दो हम लोगों ने देखे थे, HOLD होल्ड और HLDA, ठीक है। होल्ड क्या करता है, इंडिकेट दैट पेरिफेरल डिवाइसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल बस। होल्ड क्या इंडिकेट करता है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेज है हमारे सिस्टम में वो रिक्वेस्ट कर रही हैं एड्रेस बस, डेटा बस या कंट्रोल बस के एक्सेस के लिए, ठीक है। HLDA क्या करता है, एक्टिव हाई सिग्नल दैट इज यूज्ड टू एक्नॉलेज होल्ड रिक्वेस्ट।
HLDA एक एक्टिव हाई सिग्नल होता है जो कि यूज होता है प्रोसेसर को यह बताने के लिए कि होल्ड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। रीसेट सिग्नल्स, लास्ट हमारा रीसेट सिग्नल्स होते हैं, पहला रीसेट इन और रीसेट आउट। रीसेट इन क्या होता है, अ लो ऑन दिस पिन, रीसेट इन अगर लो है यानी कि रीसेट इन अगर हमारा जीरो है, सेट पीसी टू जीरो, पीसी को जीरो पे सेट करेगा। रीसेट द इंटरप्ट इनेबल एंड HLDA फ्लिप फ्लॉप, इंटरप्ट जो हमारे इनेबल हुए होंगे उन्हें रीसेट करेगा और HLDA के फ्लिप फ्लॉप को भी रीसेट कर देगा, ठीक है। ट्राई स्टेट डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल बस, डेटा बस एड्रेस बस और कंट्रोल बसेस को ये ट्राई स्टेट में कर देगा। उसके बाद रीसेट आउटपुट की बात करें तो सिग्नल इज सिंक्रोनाइज टू प्रोसेस क्लॉक एंड इट इज यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेस कनेक्टेड इन द सिस्टम। जो रीसेट आउट होता है हमारा ये प्रोसेसर क्लॉक से सिंक्रोनाइज होता है यानी कि उसी के साथ साथ वर्क करता है एंड इट इज यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेस। ये अदर डिवाइसेस जो भी सिस्टम से हमारी कनेक्टेड होती हैं उन्हें रीसेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, रीसेट आउट। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या होते हैं हमारे सिग्नल्स। और पिन डिस्क्रिप्शन में इतना अगर आप लोग लिख लोगे एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आराम से आपको 10 आउट ऑफ 9 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और पिन डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि आ सकता है एग्जाम में फॉर श्योर। उसके बाद अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।